नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारत में 21 जून को साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि देश के कई हिस्सों में ये कुंडलाकार या वलयाकार होगा, जहां चंद्रमा सूर्य से केंद्र को कवर करेगा, जिससे बाहरी रिम दिखाई देगा। इस प्रकार आकाश में आग की अंगूठी का निर्माण होगा। हालांकि देश के अधिकांश हिस्सों के लिए ग्रहण आंशिक होगा। वर्ष 2020 में पहले से ही दो चंद्र ग्रहण देखे गए हैं और अब पहला सूर्य ग्रहण 21 जून को देखने को मिलेगा। एक सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, जो सीधे सूर्य की किरणों को ग्रह तक पहुंचने से रोकता है। सूर्य ग्रहण चार प्रकार के होते हैं, कुल, आंशिक, वार्षिक और सकल। एमपी बिड़ला तारामंडल के निदेशक देवी प्रसाद दुरई ने एक बयान में कहा है कि हालांकि इस बार का अग्नि वलय उस तरह का नहीं होगा जैसा कि ये पिछले साल 26 दिसंबर को दिखा था, इस बार ये थोड़ा हल्का होगा। बयान में कहा गया है कि वलयाकार सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं, लेकिन देश के अधिकतर हिस्सों में आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। देवी प्रसाद दुरई ने समाचार एजेंसी पीटीआई भाषा को बताया कि राजस्थान के घड़साना के पास सुबह लगभग 10:12 पर सूर्य ग्रहण की वलयाकार गति शुरू होगी और सुबह लगभग 11:49 पर वलयाकार चरण शुरू होगा और 11:50 पर यह चरण समाप्त होगा। राजस्थान के सूरतगढ़, अनूपगढ़, हरियाणा के सिरसा, रतिया और कुरुक्षेत्र और उत्तराखंड के देहरादून, चंबा, चमोली और जोशीमठ जैसे क्षेत्रों से अग्नि वलय 1 तक दिखेगा। कोलकाता में आंशिक सूर्य ग्रहण की शुरुआत सुबह 10:46 पर होगी और इसका समापन दोपहर 2:17 पर होगा। हालांकि दिल्ली में ये सुबह 10:20 पर शुरू होगा और दोपहर 1:48 पर खत्म होगा, तो वही मुंबई में 10:16 से दोपहर 1:07 तक, चेन्नई में सुबह 10:22 से दोपहर 1:41 तक और बेंगलुरु में सुबह 10:13 से दोपहर 1:31 तक ये ग्रहण दिखाई देगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।